हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम एक वेंडर का बैलेंस देखें, एक महीने में कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, और एक साल में कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना बैलेंस बचा है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, वो सब एक ही रिपोर्ट में हम कैसे देखें उसी बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका डिस्प्ले वेंडर बैलेंस के लिए आपका टी कोड है FK10N, और नहीं तो आप पाथ के सहायता में जा सकते हैं। पाथ है आपका अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट, यहाँ पर लिखा हुआ है FK10N डिस्प्ले बैलेंस। डबल क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले बैलेंस के स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा वेंडर एक है 841, उसके बाद मेरा कंपनी कोड है AND, उसके बाद फिजिकल ईयर, कौन सा फिजिकल ईयर पे आप देखना चाह रहे हैं। तो मेरा फिजिकल है 2024। अभी एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए, मेरा फोर्थ महीना में 79 का डेबिट हुआ है, 179 का क्रेडिट हुआ है। बैलेंस बचा है कितना, माइनस में है 1 लाख। क्यूमुलेटिव बैलेंस में भी 1 लाख है। सेल हुआ है, सॉरी परचेस हुआ है कितने का, 179 का। क्रेडिट हुआ है जितना, परचेस हुआ है उतना। ऐसे ही आप देख सकते हैं और टोटल भी देख सकते हैं। डेबिट कितना टोटल हुआ है इस साल, क्रेडिट कितना टोटल हुआ है, बैलेंस कितना बचा है, क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना है, और परचेस टोटल कितना हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं।